नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जंग छिड़ी हुई है। जब से 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपा है, तब से लगातार यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार सीपी जोशी का फैसला क्या होगा और आलाकमान क्या वाकई में इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगी। दरअसल साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई दे रही है। दावा यह किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान में हुंकार भरने के लिए तैयार हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही वह राजस्थान की तरफ रुके थे, लेकिन यहाँ पर वह ज्यादा समय तक नहीं रुक पाए और उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान का दौरा वह करेंगे और अब 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान की तरफ एक दौरा है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अब 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान की तरफ रुख करने वाले हैं और इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें एक पत्र लिख दिया है और इस पत्र के जरिए एक बेहद बड़ी मांग भी की है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को आदिवासी जिले बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर अब आदिवासी कार्ड खेलते हुए बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की मांग की है। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है और इसे लिख पत्र में अवगत कराया है कि 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित वनवासियों पर ब्रिटिश सेना ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 1500 से अधिक वनवासियों ने अपना बलिदान दिया। वनवासियों के बलिदान और गोविंद सिंह गुरु के योगदान को रेखांकित करने के लिए राज्य सरकार ने मानगढ़ धाम में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनाया। वहीं अब उन्होंने मांग की है कि 8 अगस्त साल 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और अब यहां पर 1 नवंबर को जो बांसवाड़ा दौरा है जिसमें वह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, ऐसे में सीएम गहलोत ने यहां पर कहा है कि आदिवासियों के तीर्थ स्थल मानगढ़ के विकास कार्यों में राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेगी। इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्मारक घोषित करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कोशिश करती रही है और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बेहद बड़ी मांग की है और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर महान संत श्री गोविंद सिंह गुरु को सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकेगी। इस तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत ने पत्र लिख दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी जी से ये खास मांग कर डाली है। देखना होगा कि 1 नवंबर के दिन जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे राजस्थान तो आखिरकार क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा। जनसभा को जब वह संबोधित करेंगे तो वह कितनी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस खेमे की तरफ से मैदान में किसे उतारा जाएगा, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत। इस पर आपकी क्या राय है और देखना दिलचस्प होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत की इस मांग को पूरा करते हैं या फिर नहीं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।